के कल्पना चावला में गत दो दिनों में दो गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाने से कल्पना चावला अस्पताल के डॉक्टरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला कांग्रेस के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जब से कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल बना है यहाँ पर अनियमितताएं पाई जाती हैं, जिसके चलते यहाँ पर इलाज करवाने आने वाले मरीजों को डर लगने लगा है। उन्होंने दोनों महिलाओं की मौत का जिम्मेवार कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों को बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए एवं पीड़ित परिजनों की सहायता की जाए। सरदार त्रिलोचन सिंह ने इस मौके पर मानसून की पहली बारिश से सरकार द्वारा करनाल में किए गए विकास कार्यों की पोल खुलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में स्मार्ट सिटी की बजाय शहर क्राइम सिटी बनता जा रहा है, जिसकी तरफ मुख्यमंत्री का कोई ध्यान ही नहीं है। मुख्यमंत्री को यहाँ के स्थानीय नेता अलग तस्वीर पेश करते हैं, जबकि बारिश के मौसम में शहर एक तालाब का रूप धारण कर लेता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, समय समय पर शहर की समस्याओं को उठाते रहते हैं, जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं। आज वो हमसे रूबरू होंगे, देखिए क्या कहना चाहते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी। देखिए, आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर में जागरण में खबर पढ़ी कि कल डिलीवरी के दौरान दो गरीब महिलाओं की डेथ हो गई, बड़ा दुख तो पहुंचा, लेकिन साथ ही सीएम सिटी जो 5-6 साल पहले लोगों ने बनाया था, सीएम को बीएसएम सिटी में हर एक तरह की सुविधा मिलेगी, और श्री अनिल विज जी जो कुछ समय पहले आके हॉस्पिटल की पानी की टैंकियों को देख रहे थे, लेकिन अब ना जाने 6 सालों से वो कहाँ गायब हैं, कभी करनाल दोबारा नहीं आए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ये दो महिलाओं का मरना कोई पहली घटना नहीं है। पूरा अगर 6 साल का इतिहास देखा जाए, इसमें कम से कम जो हॉस्पिटल में डेथ हुई है 50% के करीब ऐसी डेथ हुई है जो इनकी वजह से हुई है, प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से हुई है, कल्पना चावला के डॉक्टरों की वजह से हुई है। इनके खिलाफ मैंने श्री अनिल विज जी को पत्र लिखा है कि जांच होनी चाहिए, उन महिला को जो मरी है उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए, और जिन डॉक्टरों की वजह से वो मरी है उनको सस्पेंड भी किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून बना दिया जाना चाहिए। अगर डॉक्टर की कमी से बच्चा या जच्चा कोई मरता है उसके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए उनकी लापरवाही की वजह से। मैंने कुछ दिन पहले एक किसी मरीज के जरूरत थी, हमें फोन किया, डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं थे ना चैम्बर में ना कहीं, नर्स को उन्होंने फोन को प्रोटेक्शन देके इलाज शुरू कराया लेकिन डॉक्टर चैम्बर में नहीं आते, जो डायरेक्टर हैं वो फोन नहीं उठाते। मैंने आज अनिल विज जी से पूछा, क्या जो डायरेक्टर साहब के पास फोन है वो सरकारी नहीं है, क्योंकि वो फोन नहीं उठाते। करनाल जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है ये लूट खसोट रफर भ्रष्टाचार महंगाई का एक अड्डा बन चुका है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ, अगर अनिल जी जैसे अपने आप को ईमानदार और तह तक जाने की बात करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि पिछले 6 साल का टोटल रिकॉर्ड चेक किया जाए, कितने लोग मरे हैं और कितने इनकी वजह से मरे हैं, जिनके परिजनों ने परिवार के सदस्यों ने इतराज किया भी इनकी वजह से मरे हैं, वो जांच होनी चाहिए। कितने केस आए हैं इमरजेंसी में, कितने रेफर कर दिए गए, साथ के साथ ही उसकी जांच होनी चाहिए। क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी जब रखे जाते हैं ठेकेदार के माध्यम से, कितने लोग हैं जो पैसे दे के लगे हैं, ये बात मीडिया उठाता है, प्रेस भी उठाती है, इनके एक विधायक पूरा विधायक ने भी उठाई थी, ये सारी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सीएम सिटी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पिछले 6 साल से एक बार भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लोगों का हालचाल जानने के लिए या देखने के लिए व्यवस्था कैसी कभी नहीं गए। मुख्यमंत्री को अपने गृह जिले में ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां गरीब आदमी जाते हैं,
उनके स्वास्थ्य की वजह से, उनकी बीमारियों की वजह से, अपनी जान बचाने की वजह से जाते हैं। कोरोना काल के अंदर बड़ी आवाज उठी, यहाँ पर टेस्टिंग मशीन ही नहीं है कोरोना की। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, लोगों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पूरी तरह रेफर कॉलेज बन चुका है। देखिए, 6 साल पहले जब CMCT का नारा लगा था तो लोगों ने दिल खोल कर इसलिए वोट दिए थे, भाई ये रोहतक की तरह, सार की तरह, सिरसा की तरह, भिवानी की तरह हमारा शहर भी चमक जाएगा, CMCT कहलाएगा और स्मार्ट सिटी। 100 पहले शहरों में इनका नाम आया और खुश हुए, लेकिन आज ये जलमग्न शहर को देख के लगता है ना ये CMCT है ना ये स्मार्ट सिटी है, ये केवल क्राइम सिटी है। किसी का ध्यान नहीं है, ना प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान है, ना मुख्यमंत्री का ध्यान है, ना उनके पार्टी के पदाधिकारियों का ध्यान है। नगर निगम के जो पार्षद हैं वो बार बार रोते हैं, चिल्लाते हैं हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा, और जो मुख्यमंत्री महोदय उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से आप जलमग्न हो गया शहर और लोग देख रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं भी कम से कम मुख्यमंत्री और नहीं कर सकते, 5-7-10 वोट को लगा दी जाए ताकि वो कहीं जरूरी काम जाना है वहाँ वो जा सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.